नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सिटी वेब में आपका स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए सहारनपुर की कुछ खास खबरें हेडलाइंस के साथ। फतेहपुर पुलिस ने शातिर चोर गैंग का एक सदस्य दबोचा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वामी कालेन्द्रानंद महाराज ने बांटे रजाई। जनकपुरी क्षेत्र में घर में लगी आग से लाखों का सामान जलकर हुआ स्वाहा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जैन कॉलेज चौराहे पर फूंका वामपंथी छात्र संगठनों का पुतला। पुलिस लाइन की महिला परामर्श केंद्र में विवादित परिवारों की कराई गई काउंसलिंग। कार्यशाला में नगर आयुक्त ने स्वच्छता को अपनाने पर दिया जोर। हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के कुछ खास समाचारों पर विस्तार से। फतेहपुर पुलिस ने शातिर चोर गैंग का एक सदस्य दबोचा। थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को चोरी की गाड़ी, इन्वर्टर, बैटरा व एक अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि फतेहपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गंगाली रोड से एक आरोपी रहीश पुत्र समद कुरैशी को महिंद्रा गाड़ी व चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने तीन अन्य साथी के साथ मिलकर देहरादून से गाड़ी चोरी की थी। उन्होंने फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम मुजफ्फराबाद में डॉक्टर प्रशांत सैनी के अस्पताल से इन्वर्टर, बैटरा, फ्रिज, सीपीयू व कुर्सियां तथा पुराना इन्वर्टर चोरी किया था। वह लोग गाड़ी की नंबर प्लेट बदलवा कर दूसरी लगा देते थे। थाना अध्यक्ष फतेहपुर और उनकी टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके तीन साथी अभी फरार चल रहे हैं। यह अंतरराज्यीय चोर है। इसके द्वारा उत्तराखंड के देहरादून में कई चोरियां की गई है। इसके पास से चोरी के यहाँ फतेहपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी के माल बरामद हुए हैं। इसके पास से एक चोरी का वाहन और अभी हाल में फतेहपुर थाना क्षेत्र में जो चोरियां हुई हैं उसमें इसके संलिप्तता पाई गई और माल भी बरामद हुआ है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वामी कालेन्द्रानंद महाराज ने बांटी रजाई। श्री रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान में स्वामी विवेकानंद जयंती पर रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए स्वामी कालेन्द्रानंद महाराज जी ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर स्वामी जी ने विधवाओं व गरीबों को रजाई वितरित की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि संस्था पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर सेवा भाव के कार्य किए जाते हैं। संस्था द्वारा गरीब परिवार में शादी लायक कन्याओं का विवाह भी कराया जाता है। स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम है गरीब विधवाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए या कोई भी गरीब है उसकी सहायतार्थ ये रजाई वितरण का कार्यक्रम है, जिसके अलावा भी संस्था के द्वारा रजाई वितरण, बर्तन वितरण और कोई भी जो अभी भी एक बता रहे थे कि जिसका विवाह करने में कोई सक्षम नहीं है, गरीब है, जिसकी कन्या जो है वो शादी के लायक है, आप रिश्ता कर दीजिए और यहाँ हमें सूचना दे दीजिए तो पूरा आपको जो है यहाँ से पूरी की पूरी शादी कर दी जाएगी। जनकपुरी क्षेत्र में घर में लगी आग से लाखों का सामान जलकर हुआ स्वाहा। थाना जनकपुरी क्षेत्र के होमगार्ड वाली गली स्थित एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इस मौके पर लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। इसके पूर्व आग में लाखों रुपए का घर का सामान जलकर राख हो गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जैन कॉलेज चौराहे पर फूंका वामपंथी छात्र संगठनों का पुतला। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ता जेवी जैन डिग्री कॉलेज चौराहे पर पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी करते हुए वामपंथी छात्र संगठनों का पुतला फूंका। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संस्था में छात्र व शिक्षकों पर नकाबपोश गुंडों द्वारा पूर्व निर्धारित षड्यंत्र के तहत जानलेवा हमला व अराजकता फैलाने का कार्य किया है। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराकर कार्यवाही की जाए। पुलिस लाइन की महिला परामर्श केंद्र में विवाहित परिवारों की कराई गई काउंसलिंग। पुलिस लाइन में महिला परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। परामर्श केंद्र में विवादित परिवारों की काउंसलिंग करने के लिए महिला परामर्श केंद्र की प्रभारी कल्पना त्यागी की टीम द्वारा काउंसलिंग की गई। परिवार परामर्श केंद्र में कुल 12 पक्षों का नोटिस देकर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग करने के बाद काउंसलर द्वारा दो पक्षों में समझौता कराया गया। कार्यशाला में नगर आयुक्त ने स्वच्छता को अपनाने पर दिया जोर। जनमन सभागार में नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता के प्रति जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छता को हमें अपना संस्कार बनाना होगा, तभी हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखकर अपने व अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं। कार्यशाला में वह सभी स्कूल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को संबोधित कर रहे थे। इच्छा सब हर माँ बाप की रहती है कि हमारा बच्चा टॉप करे,
देखिए सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता क्या होती है कि वो बच्चा हमारा क्या हो, संस्कारवान, कम से कम बुढ़ापे में हमारी मदद करे। सारा जो एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है आपने डाउनलोड कर लिया, नंबरिंग हो जाएगी, लेकिन आपको जितने बच्चे आपके स्कूल में हैं उन बच्चों को बेसिक स्वच्छता के बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबसे आजादी से पहले ही ये वक्तव्य दिया था, उसी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पकड़ा कि स्वतंत्रता से भी महत्वपूर्ण है क्या, स्वच्छता। सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे, और हमारी हर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।